हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं मनीष सिंह, आप लोग देख रहे हो सिंह फिटनेस है। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिटनेस इंडस्ट्री से बहुत सारा अपडेट लेकर आया, तो फटाफट इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आज का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट है वो है अंकुर शर्मा। आप में से जो भाई नहीं जानते तो मैं बता दूँ, अंकुर शर्मा जो कि रोहित खत्री का कोच हैं गाइस, रिसेंटली इन्होंने कॉम्पीट करा था एंड आप लोग देख सकते हो ये इनका कंडीशन था। यदि कंडीशनिंग की बात करूँगा ना तो बहुत इम्प्रेसिव नहीं लग रहे थे। इन्होंने बहुत पहले एक बार अर्नोल्ड क्लासिक में भी कॉम्पीट करा था, आई थिंक आज के 3-4 साल पहले। उसके बाद कोरोना में कुछ इनको कुछ थोड़ा बहुत इशू आ गया था, हेल्थ इशू, जिसके वजह से इन्होंने बंद कर दिया था बॉडी बिल्डिंग, बट फिर से इन्होंने स्टार्ट करा। तो कंडीशनिंग देखो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहे थे, और मेरे को ऐसा लग रहा है ये कॉम्पीट करने वाले हैं सेरू क्लासिक में। आप में से जो भाई नहीं जानते मैं उनको ये भी बता दूँ, ये कॉम्पीट करते हैं हमारा क्लासिक फिजिक डिवीज़न में। देखो कहीं ना कहीं साइज लैक है, उसके साथ साथ जो मिड सेक्शन है वो बहुत इंप्रेसिव नहीं है इनका, और बॉडी में जो हार्डनेस चाहिए ना कंडीशन वो भी नहीं दिख रहा है। तो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कुछ अभी और अच्छा इंप्रूवमेंट करके ऑन स्टेज कितना बढ़िया आते हैं वो हम लोग को देखना होगा। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है आपका भुवन चौहान की तरफ से। गाइस रिसेंटली देख सकते हो उन्होंने अपना एक अपडेट शेयर करा, जिसमें उन्होंने लिखा था टाइम फॉर अ मच नीडेड बिग रिफीड टुडे। एंड देख सकते हो रियली बताऊँ बेस्ट शोल्डर का, सबसे पहले ये आप देख सकते हो वेस्ट और शोल्डर में डिफरेंस मीन्स लाइक रेशियो जो होना चाहिए मैन्स फिजिक एथलीट्स का, वो इसमें भुवन चौहान का बहुत प्रोफेशनली के साथ दिखता है। उसके साथ साथ आप देख सकते हो वेस्ट कितना ज़्यादा बहुत नैरो है, ओब्लिक भी बहुत शार्प लग रहा है, मिड सेक्शन बहुत अच्छा लग रहा, शोल्डर में राउंडनेस भी दिख रहा, सिर्फ एक फुलनेस मीन्स लाइक थोड़ा बहुत बॉडी जो है वो डिप्लेट हुए। तो जब ये काफ अच्छे तरीके से जब लोड्स करेंगे ना तो इनका बॉडी और अच्छे से निखर कर बहुत हार्डनेस के साथ आएगा। तो मतलब बहुत बढ़िया पैकेज लेकर भुवन चौहान ऑन स्टेज आने वाले हैं दिल्ली वाले प्रो शो में, तो बहुत बढ़िया राइवलरी होगा भुवन चौहान वर्सेस बिलाल अल्ली। तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताना कि इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा। तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है एहसान आलम की तरफ से। गाइज रिसेंटली उन्होंने अपना एक अपडेट शेयर करा एंड गाइज आप लोग देख सकते हो ये इनका फिजिक अपडेट है मीन्स लाइक अधिक कंडीशन की बात करेंगे गाइज। देखो इनके पास साइज है लेकिन जो एक प्रोपोर्शन होना चाहिए, जो सिमेट्रिक होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं भी थोड़ा लैक कर रहा है इनके फिजिक में। हाँ साइज इनके पास बहुत अच्छा है, बॉडी में हार्डनेस भी बहुत बढ़िया लुक है, लेकिन जिस तरीके से मतलब जो वेस्ट और शोल्डर में जितना ब्रॉडनेस होना चाहिए वो कहीं ना कहीं अच्छे से निखर कर नहीं आता है। लेकिन हाँ ये एक ऐसे एथलीट्स हैं जो अभी कुछ और वर्क करके इन अपकमिंग टाइम बहुत अच्छा मीन्स लाइक इनका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा कर सकते हैं गाइस। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि एहसान आलम का फिजिक आप लोग को कैसा लगा। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है अतीश ठाकरे की तरफ से। ये मैच्योर एथलीट्स हैं, देखो इनका बहुत ज़्यादा नाम नहीं है लेकिन आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत हमारे ऐसे एथलीट्स हैं कि देखना इन अपकमिंग टाइम इस साल भी वो आएंगे बहुत मीन्स लाइक विथाउट नेम विथाउट हाइप और प्रो कार्ड जीत कर जा सकते हैं। देखो अतीश ठाकरे का आप देख सकते हो कंडीशन रियली बताऊँ तो इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना कहीं थोड़ा लवप्रीत के तरह मिलता है, मतलब इनका जो वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा नैरो है, शोल्डर बहुत ब्रॉडनेस है, एक प्रोपोर्शन जो होना चाहिए सिमेट्रिक होना चाहिए वो इनके फिजिक में दिखता है, शोल्डर में राउंडनेस देख सकते हो, फाइबर बिल्कुल ऑन पॉइंट लग रहा है, चेस्ट में अच्छा गुड क्वालिटी मसल मास भी दिख रहा है, मिड सेक्शन की बात करते हैं मिड सेक्शन भी शार्प लग रहा एंड ओब्लिक भी बहुत बढ़िया लग रहा, आर्म्स का भी साइज देख सकते हो। तो ओवरऑल जो फिजिक है ना वो बैलेंस फिजिक है मैं फिजिक के अनुसार, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं मे बी। तो इन सेरू क्लासिक देखना है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देंगे मेरे को ऐसा लगता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा। गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है राहुल फिटनेस की तरफ से वन मोर। अब देख सकते हो यहाँ पे राहुल फिटनेस का बैक की अपडेट, उन्होंने लिखा अपडेट बैक टू बैक। तो देख सकते हो अपडेट देखकर तो इन्होंने बहुत खतरनाक मीन्स लाइक एक बोल सकता हूँ कि इन्होंने पहले से सबको एक सचेत एक संकेत दे दिया कि बहुत तगड़ा पैकेज लेकर आने वाले हैं वन मोस्ट टाइम राहुल फिटनेस। लास्ट टाइम जो इनका प्लेसिंग था वो थर्ड प्लेस था, तो इस बार तो और बढ़िया निकाल कर देंगे क्योंकि कंडीशन जिस तरीके से लास्ट टाइम इन्होंने बोला था जब इनसे मैंने इनके साथ मेरा जब बात हुई थी कि कंडीशन इनके लाइक मतलब जो ये सोच रहे हो वैसा नहीं, लेकिन देखो अभी थोड़ा टाइम है उसके अनुसार कंडीशन बहुत अच्छा आ चुका है। देख सकते हो शोल्डर में राउंडनेस, उसके साथ साथ मसल में जो फुलनेस और राउंडनेस है ना वो बहुत अच्छा है एंड बैक में तो बिल्कुल मतलब थिकनेस और ब्राउडनेस बहुत ज़्यादा है इनके, तो लाइनअप को डोमिनेट करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या इस साल बिलाल अली भुवन चौहान इन सबको बीट करके क्या आगे या आ पाएंगे या फिर नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है डेल्टा दिलीप की तरफ से, उन्होंने अपना एक फिजिक अपडेट शेयर कर रखा है आप लोग देख सकते हो। रियली बताऊँ तो डेल्टा दिलीप एक ऐसे एथलीट्स है ना जो पूरे लाइनअप में आप इस बार भी देखना सबसे ज़्यादा हार्ड बॉडी लेकर आएंगे वही,
देखो साइज जो भी हो इनके पास है, कंडीशन जो भी जितना भी रहेगा, लेकिन बॉडी में हार्डनेस सबसे ज़्यादा। तो इस बार तो इन्होंने अपने फ्रेम में अच्छा थोड़ा साइज भी इंक्रीज करा है, तो मिड सेक्शन में बहुत शार्प बहुत ऑन पॉइंट लेकर आएंगे। तो कंडीशनिंग के साथ साथ साइज भी इस बार इनके पास है, तो बहुत अच्छा प्लेसिंग कहीं ना कहीं डेल्टा दिलीप भी सिक्योर कर सकते। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है जर्मी बुंडिया की तरफ से। गाइस तो रिसेंटली देख सकते हो जर्मी बुंडिया ने एक अपडेट शेयर करा, और इस अपडेट को देखने के बाद इरिन बैंक्स और ब्रेंडन हेंड्रिक्सन को भी बहुत ही ज़्यादा मिस लाइक डर लग रहा होगा कि जो गेम चल रहा है, जिस बहुत सारे लोगों ने कहा कि पहले जर्मी बुंडिया का कंडीशन नहीं था, कोई कॉम्पिटिटर नहीं थे, लेकिन आप लोग देख सकते हो जिस तरीके से साइज फुलनेस के साथ की बात होते हैं ना, जो हमारा इरिन बैंक्स है या ब्रेंडन हेंड्रिक्सन, उस प्रकार का तैयारी चल रहा है यहाँ पे जर्मिन बुंडिया का। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा शोल्डर ब्राउड लग रहा, उसके साथ साथ राउंडनेस फ्रंट से ही देख सकते हो, लेट्स बहुत ज़्यादा वाइडर दिख रहा, उसके साथ साथ चेस्ट में भी फुलनेस दिख रहा। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि ये इस बार साइज और कंडीशन लेकर आएंगे, तो हो सकता है फिफ्थ टाइटल ओलंपिया के जीत सक। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है गुरुजी मुकेश गहलोत की तरफ से। तो उन्होंने कुछ टिप्स शेयर करा था, आप इस वीडियो को देखना, गुरुजी के बारे में आप लोग क्या सोचते हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मैं रिकमेंड करता हूं, और जो एडवांस एथलीट है वो अपने लास्ट के 3-4 रैप डिप करके पुश प्रेसेस भी कर सकते हैं। एक तो उनका ट्रेनिंग इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, लोड भी ज़्यादा ले सकते हैं, रैप ज़्यादा आ जाएंगे अब। लेकिन इनिशियली अपने स्ट्रिक्ट प्रेस लगाने के बाद 8-10 रैप करके उसके बाद आप चाहें तो डिप करके कर सकते हैं, लेकिन बिगनर्स नहीं, ना कहीं तो इंजरी हो जाएगी। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इसी प्रकार के आपको फिटनेस का सारा अपडेट सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सिंह फिटनेस पे मिलता रहेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।